भाई साहब आपकी दुल्हन चली गई है, सदका तो दे रही है, सदका देता है। इतने नहीं होते, धुएं निकल रहे हैं ये देखिए, ये सूट है। वाह, हटो एक लीटर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जी आप लोगों को खुश आमदीद कहते हैं एक नए व्लॉग में। व्लॉग आज का हमारा जो है वो है भाई साहब वो वलीमे वाला। बारात भी हो चुकी है, ईद ना वो क्या कहते हैं, बारात भी हो चुकी है, मेहंदियाँ भी हो चुकी हैं, रवानगियाँ भी हो चुकी हैं, कब सारे हो चुके हैं, और फाइनली वो दिन आ गया वलीमे वाला। ये मेरे ख्याल में किसी भी शादी का लास्ट फंक्शन होता है, उसके बाद दावतों शावतों का इंतज़ाम होता है। तो तैयारी शारी कर ली है, ज़रा बोला इसलिए ज़रा स्लो स्लो जा रहा है कि भाई सब थकावट इतनी हो चुकी है ना, थकावट से ना, फिर आपको पता है शादी का मौका थका। लेकिन एक चीज़ मैंने नोट किया, जो हमारी माशल से ख़वातीन होती है ना, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं थकती, बड़े काम भी बहुत करती हैं, सारा दिन भागती हैं बहुत कम, लेकिन जब मेकअप तैयारी वगैरह ये हो रही होती है ना, ऐसे चलाकी से चाक चौबन होकर करती हैं। ये बेस बन गई, और बस करो क्या कर रहे तू, ये बाल अकड़ा ही जा रहा है। हाँ ऐसे 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 ऐसे, बस बस बस, ज्यादा ना पता नहीं मुंह पे भी करके खड़ा है। चल बस भाई, नहीं सही बन नहीं है, सही अभी बन जाएंगे। अब ये देखो ये, अच्छा मैं करता हूँ, इधर जा, आंखें बंद रख। ए सारा हर चीज मार जा रही है, कहाँ कहाँ मारा है आपने? अब बोल सही है। इस किसी ने जब से बाल कटे हैं ना, रोला ही पै गया, रोला ही पै गया इसके बालों का, इसलिए तो हम इसको बाल नहीं। इधर दिखा मुझे, बस ठीक है। वाह गोरा चिट्टा था, क्या देख मेकअप भी टिका के किया है, और सब ने किया है ना, सब ने किया है। आपका हुआ था ना? नहीं अभी मेकअप शुरू किया, ये दूल्हा आपका हटेगा तो मैं मेकअप करूंगी। चलो भाई चलो बाहर शीशे में देखो, जाओ। बिल्कुल अच्छा लग रहा है, ठीक है ना, अब ना छेड़ना इसको। हाँ, मजीद अगर थोड़ी बहुत कमी है तो मैं दूर कर देता हूँ, आप सब्र करो। कमी दूर करते हैं पापा। तो अच्छा जी बेगम भी तैयार हो जाती है, अल्लाह करे जल्दी जल्दी हो जाए। और टाइम जो बच चुका है ना, इस वक्त टाइम बढ़ चुका है 1:30 का, और हमने जो होटल बुक किया था उसको टाइम दिया हुआ था हम 1:30 बजे खाना आपसे ले लेंगे, लेकिन कहाँ आपको पता, तैयारी करते करते 1:30 बज गया। खैर अभी थोड़ी देर में निकलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं कि आज के हमारे खाने में क्या है, और ये दुल्हन भी दिखाते हैं आपको ना। हाँ जी बिल्कुल, आज के वलीमे के दिन कैसे रेडी हुई है, मैं देख आई, बहुत अच्छी लग रही थी। अच्छा हाँ जी, वहीं देखा वहाँ? नहीं नहीं हा? वो नहीं निकलने दे रहे, वो सिर्फ रिश्तेदारों से मिलवा रहे हैं। तो मैं पिराई हूँ, मतलब दुल्हन के रिश्तेदारों से। अच्छा अच्छा, हाँ वो दूल्हे वाले, अब उनकी है ना, दूल्हे वालों की है। नहीं नहीं, नहीं देखने वाली तो यही होती है उम्र। हाँ। उसके बाद फिर बंदा दुल्हन की समझ नहीं लगती। हम ऐसा करते हैं उसके साथ। हाँ। वो कौन सी दुल्हन, कौन सी क्या दुल्हन भी थी कभी। हाँ। चलो जल्दी रेडी हो लो फिर। 2 hours later अभी भी नहीं तैयार हुए, 2 घंटे हो गए बस, हो गए। ये देखिए, वाह हटो एक लीटर भाई, नहीं भाई। हाँ। वो मैं सबको आपके अलावा बस साड़ो साड़ो वाल ही साड़ो सारे हैं। काशा बच्ची ऐसे कुछ वाल ऊपर भी लगे हुए हैं इसके, मशीन के ऊपर भी। हाँ तो वो टूटने नहीं होते, धुएं निकल रहे हैं ये। बन गया ना, बन गया। इधर हमने चीजें भी साड़ दी हैं। चलो चले ये, तो मशीन को गर्म कर के इन्होंने देख मशीन की हेल्प कर दी। वाह वाह जी वाह, तेरे नाल तो आ वे सदा सोनी की लगदी है, और क्या सदा बस कर। ए कान में घुस गया, इधर कर मैं लगाऊं, इस पे लगाना बस, लग गया बन गया। नहीं वो ना खुल जाते हैं फिर। और ऊपर मेरे मुंह पे नहीं आना चाहिए। हां मुंह पे नहीं आना, बस 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 बस, अब ऐसे छेड़ छेड़ नहीं छेड़ नहीं ये। चलो हो गया, चलो सही है, दिखा बना।
आइए घूम घूम जराल स्प्रिंग बनावन तो और फिर अपन दुपट्टे के नीचे कर दिया उसको। दुपट्टा भी तो सही करना है ना, भी जूता भी पहनना है। चलो शहरी सुरेश तैयार है? लो जी फाइनली हमारे हमारी बेगम भी तैयार ही हो चुकी है। हां जी बिल्कुल। तो खैर अभी निकलते हैं। खुशबू हर जगह हर जगह। मामी मामी ये देखें जी, ये मेरे से कंघी भी करवा रही है। मुन्नू पीछे हाथ में, सारे कहेंगे खुश नसीब हो आप। हां हैं, बदास बातें सुन के कंघी करवा रहे हो। कंघी भी करवा रहे हो, कर रहे हो। मामी तो वाली नहीं मिलना। चलो बस ठीक हो गया। हाँ बस बस बस, मुझे ज़्यादा खींची जा रहे हो पीछे। हूँ चलो इसे यार, कोई नहीं जाऊँगा। जाना है चलो। शुक्र शुक्र। We are ready। माशाल्लाह खूबसूरत लग रही है। शुक्र है, दस बंदों के सामने बेइज्जती करके और अब अकेले में खूबसूरत लग रही हो। नहीं हम हर अकेले में खूबसूरत लग रही हूँ। फिर चलो चलो जी बस चक्कर हूँ आखे है। बस एक अकलौता मेरा बारिश में पर्स की हूँ। चलो खैर जी तैयारियाँ हो चुकी हैं जी, अब हम निकल रहे हैं वलीमा के लिए। शेरी कहाँ बैठ गया है? चलो बैठो। बैठ सकता था। हाँ बैठ गया बैठ गया, इधर भी लीजिए। अच्छा फैमिली जी हम रेडी हो चुके हैं और निकल रहे हैं। सवारी हमने फंसा दी है सारी ना तरतीब के साथ, जैसे जैसे ऐसे 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 कर दी। हाँ एक कम बेगम ऐसी खुली वागी हुई तो मेकअप ना खराब हो जाए। ये देखो आपका बच्चा साथ है। नहीं नहीं तो और इतनी ही आप नग नगीने आपने साथ जड़े हुए बेगम के हैं। चले बिस्मिल्लाह करें। आज ही वलीमा वलीमा खैर शादी आप लोगों की दुआओं से खैर खैरियत से गुजर गई। अब वलीमा का ज्यादा साफ कर लिए, मीटियां आई हुई हर शहर। हमारी सारी गाड़ियाँ आगे जा रही हैं और बस हम वलीमे वाली मंदिर में पहुँचने वाले हैं जहाँ हमने अरेंजमेंट की थी। और ये सुबह हम उठे थे ना तो हमें लग रहा था कि यार वलीमा ना हम ऐसे कर रहे हैं, भूख तो है नहीं में। हाँ अब भूख लग गई है। भूख लग गई है। हाँ थोड़े भाग गए हम इधर से उधर, ये ना भागे हुए आते थे, हम कहते थे तैयार हो जाओ फिर भाग के चले जाते थे। वही ना मुझे ये था कि हम सारे तैयार हो जाते हैं, खवातीन रह जाती हैं। आप लोग सबसे एंड पे तैयार हुए हैं। हाँ जी और ये जा रही है कार जिसमें दुल्हन बैठी है। हाँ अपनी कार में जा रही है। हाँ अपनी गाड़ी में ही जा रही है। वेन्यू पे पहुंच गए, मेन्यू भी आपको बता दिया, वेन्यू भी दिखा दिया। वेन्यू नहीं अपने होटल पे, मैं तो इंग्लिश लाज बोलती है ना हमारे समझ से बाहर होती है। वेन्यू होती है मेन्यू वाली जगह होती है। अच्छा मेन्यू आगे समझ। तो जी पहुंच गए, आप उतरते हैं और चलते हैं। परदेसी मतलब ढिले डाले बाहर। इनकी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें हैं, किसी दिन फुर्सत में आपको बताएंगे। आज मैंने अपनी सास मेरे सास मेरे पीछे बैठी है। हाँ उनको बता दिया। इनके सामने मैंने आज बेगम की बड़ी शिकायतें शिकायतें की टिका के। हाँ चलो चलो आ रहे हैं। बड़ी टिका के की थी सास मेरी मेरी जिनके कब्जे में आ गई। अच्छा उतरो अम्मा देख रही है। कौन सी दत्ती है यार वो ना पापा की परी। हाँ पापा की परी नजर आती है। हाँ जी बिल्कुल। ये नहीं पता कि अगले जो अगला बंदा है उसको वो मम्मी का जिन ने जिन बना दिया। आ जाएंगे वेलकम हम आपको करें ना। हाँ, फिर आपकी माँ ये ना कहे कि मेरी बेटी की कदर नहीं करता। हाँ, करनी तो चाहिए। हाँ, कैमरा थोड़ा सा पीछे रख के बना लो। ये ले ये ले ये ले। मैं ये कहता हूँ आपकी अम्मा ना आ जाए ना वो मेरी कदर फिर ना खराब कर दे। चलो ठीक है आ जाओ आ जाओ। बन जा रहे अब हमें मौका मिला है ना अपनी सास से बदले लेने का। दुल्हन दुल्हा भी आ चुके हैं हाल में। अच्छा ये दरवाजा बंद रखो ना, जरा कूलिंग काम ना हो नहीं आपके अंदर से बह जाओ अंदर। स्टेज वाले आ भी गए हैं। अभी हमारा हाल है जहाँ पे हमने दावत का अरेंज किया ये वो हाल है। यहाँ पे हम इसलिए आए थे मुख्तसर सी फैमिली गेट टुगेदर की है, मतलब लंबा चौड़ा हमने नहीं किया इंतजाम ना, जैसे मतलब एक वलीमा बकायदा होता है सभी बिरादरी वाले तो वो वाला सीन नहीं है।
मुख्तसर सा, मतलब यहाँ पे आप कुछ नज़र आ रहा है, यहाँ से यहाँ पे कुछ टेबल्स हैं, मैं 1 2 3 4 5 6 टेबल लगाए हैं, तकरीबन 40-50 बंदे का हमने अरेंज किया, तो बस इतना ही हमने समझा कि ये मुनासिब है, गर्मी है ज़्यादा अरेंज नहीं होता, तो इंशाल्लाह सर्दियों में फिर कोई प्लान बना तो वलीमा वगैरह होगा, नहीं तो अभी बस इतना ही है। अभी जी शादी का केक काटा जा रहा है, पूरी दे मां तक यो किथे गया भाई, पीछे पीछे आ जा, आ उन भाई जनो खड़े हो जाओ सारे, इधर 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 मम्मा के साथ, मम्मा के साथ, मम्मा को बुला के लाओ। मैंने थोड़ी देर बकरा दिबा करने ही जा रहा है, शादी के हमारी जो फाइनल रस्म है ना, और थोड़ी बहुत ज्यादा कर देते हैप्पी वेडिंग, एक दफा और भी कह दो यार, एक ही दफा जाकर चुप हो गए यार, हैप्पी वेडिंग। बस बस बहुत हो गया, बहुत हो गया बस। अच्छा ये खाना लगना शुरू हो चुका है, ये बारबेक्यू में और यहाँ पे राइस, राइस बारबेक्यू है यहाँ पे और राइस है, और अंदर अब सर्व होना शुरू हो चुका है, कोल्ड ड्रिंक्स भी हैं। इनको कहना है हर टेबल पे 3-3 प्लेटें सैलेड की रखे, इतना इतना सा है और ज़रा ज़रा सा रख रहे हैं और एक प्लेट में रख रहे हैं, ठीक है ना, वो आया है उसको कहो। हाँ जी, टिक्के आए हैं, चावल आए, साफ करना शुरू कर देते हैं। यस यस, टेस्ट करके देखना है तो देख लो आप। देख तो रही हूँ। अच्छा ठीक है, अच्छे हैं, चलेंगे, ये लो। भाई पानी देंगे इधर, ठीक है ना। फाइनली खाना लग चुका है और खाना डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है सबके सामने, और सब लोग खाना शुरू भी करते हैं, तो मैंने भी अभी खाना खाना है, मैं भी खाना खाता हूँ, खाना खाने के बाद फिर आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात होती है। तो जी फाइनली वलीमा दी एंड हो चुका है और अब हम सब लोग उतर के वापस जा रहे हैं अपने अपने घरों को, और मेरे ख्याल में इसी के साथ शादी भी ख़त्म हो जाती है। छत्तोवाड़े के लिए आज वो लेके जा रहे हैं, ये देखें सारा यहाँ पे रश गैदरिंग है और सब लोग वापस जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल में आज की ब्लॉग तो फिर यहीं पे एंड करते हैं, होटल में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। जा रहे हैं, खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें, और जाने से पहले मैंने कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, और ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारी शादी कैसी लगी, आप लोगों को अपना अपना महसूस हुआ तो कमेंट ज़रूर करना। अगली वीडियो मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़। वो गाड़ी जा रही है जनाब जी दुल्हन वाली, ये देखें जी, आए देखो जी, भाई साहब आपकी दुल्हन चली गई है, सदका देता है, क्या फील हो रहा है दुल्हन जाने के बाद? अकेला अकेला हाँ, अकेला क्या तन्हाई तन्हाई में घर जाके दुख की सौंग लाने